जिस तरह पूछा गया एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएसटीआर की कि जी बताएं कि ये इतने बड़े इल्जाम लगाए हुए बगावत के और दहशतगर्दी के, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ते तो सब माफ हो जाता है, तो वही उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं आज इनको सलाम भी करता हूं, हमारे खास तौर पे जो ख्वातीन, अभी तक 50 ख्वातीन सिर्फ लाहौर के जेल में, जिसमें डॉक्टर यास्मीन और आलिया हमजा, इनको मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं। इनके अलावा भी जो और होते हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरा जोर लगाया गया है कि ये पार्टी छोड़ दें या ये अप्रूवर बन जाए। अप्रूवर बनने का मतलब कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वहां जाके जलाओ घराओ करो, तो इसलिए अगर वो ये कह दें तो इनको फिर जेल से निकाल दिया जाएगा। और बाकी जो मेरे स्टारवर्ड्स हैं, जिसमें शेरियार अफरीदी है, जो उससे उसके ऊपर जो गुजरी है, उनकी बीवी को उठाया साथ, फिर उसको फिर बीवी को पकड़ना, बच्चों के साथ पकड़ने की कोशिश की, और जिन हालात में रखा, वो जो डेथ सेल होता है उसके अंदर छोटे से कमरे में तोड़ने के लिए उसको, अली मोहम्मद जितना प्रेशर उसके ऊपर, बार बार उसको फिर जेल में ले आते हैं। और यहां मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा की बीवी को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसका किस क्या कसूर होगा, सिर्फ तोड़ने के लिए कि किसी तरह ये कहें कि हम तरीके साफ छोड़ रहे हैं। और मैं जिस तरह अपने और स्टालवर्ट्स हैं, मैं इनको आज खास तौर पे आज सलाम करता हूं, ईद मुबारक भी कहता हूं। इसके अलावा मैं आज याद करना चाहता हूं 16 लोग हमारे शहीद हुए, गोलियां मारी गई उनको 9 मई के बाद, कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा कि 16 लोग जो कंफर्म्ड हमारे पास है जिनकी शहादतें होंगी, उसके अलावा 9 और हैं, लेकिन हम इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके जो घर वाले वो छुपे हुए हैं। ये जो दहशत और ये जो खौफ की फिजा बनाई हुई है वो छुपे हुए हैं और वो कंफर्म नहीं करते, बोलते भी नहीं है। 16 का तो कंफर्म है, 25 को गोलियां लगी जिससे शहीद हुए, उसके अलावा दो नौजवानों की टांगे कट गई और एक के पीठ में गोली लगी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, बेड रिडन है मुकम्मल तौर पर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई नाम नहीं लेता, बिल्डिंग जली, मैं खुद कहता हूं कि उनके जो जिन्होंने बिल्डिंग जलाई उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया, लेकिन कोई बात करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप 25 लोगों को गोलियां मार दें, 50 और को गोलियां लगी, 50 को और गोलियां लगी हैं,